नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 अक्टूबर, दिन रविवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सभी विश्वविद्यालयों को परीक्षा के 30 दिनों में जारी करने होंगे रिजल्ट, उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी किया निर्देश। परीक्षा कैलेंडर भी हुआ जारी। 90 दिनों के अंदर चालान जमा करना हुआ अनिवार्य, नहीं देने पर वाहन मालिक को मिलेगा रिमाइंडर। गाड़ी भी कर दिए जाएंगे ब्लैकलिस्टेड। बीपीएससी ने सीसी परीक्षा के लिए पदों में की वृद्धि। 13 दिसंबर को 34 जिलों में होगा परीक्षा का आयोजन। 4 नवंबर है आवेदन की अंतिम तारीख। मनोज वाजपेयी विशेष जूरी पुरस्कार से हुए सम्मानित। इस सम्मान के बाद वाजपेयी का रिएक्शन आया सामने। राम रेड्डी के निर्देशन में बनी थी यह फिल्म। बेगूसराय के 6 प्रखंडों में जॉब कैंप का होगा आयोजन। 4 से 13 नवंबर तक चलेगा रोजगार मेला। 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए शुरू हुई तैयारी। भीमनगर की तर्ज पर बनेगा नया बैराज। केंद्र सरकार से प्रस्ताव पर मिली सहमति। दूसरे टेस्ट मैच में भारत को मिली हार। कप्तान रोहित शर्मा ने खिलाड़ियों का किया बचाव। भारतीय टीम की हार को बताया निराशाजनक। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NICL द्वारा असिस्टेंट के लिए 500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री हो, 1 अक्टूबर 2024 तक योग्यता परीक्षा पास सर्टिफिकेट हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। इस वर्ष नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने भीमनगर की तर्ज पर एक नया बैराज बनाने का निर्णय लिया है। ये बैराज नेपाल की पहाड़ों से बिहार में आने वाली नदियों के उफान को नियंत्रित करेगा। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है और अब कार्य योजना पर भी काम शुरू होगा। उन्होंने बताया कि हाल के रिकॉर्ड बारिश ने बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों को ध्वस्त कर दिया है। बाढ़ से अस्थायी समाधान के लिए बिहार सरकार 2004 से ही प्रयासरत है और नेपाल सरकार के साथ कई बैठकें भी की जा चुकी हैं। बैराज निर्माण से पानी के भंडारण में मदद मिलेगी, जिससे तबाही की संभावना कम होगी। विश्वविद्यालयों को परीक्षा के 30 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने यह निर्णय हाल ही में कुल सचिवों की बैठक में लिया है, जहां परीक्षा कैलेंडर भी जारी किए गए हैं। कुल सचिवों ने राजभवन के कैलेंडर का उल्लेख किया, जिस पर निदेशालय ने कहा है कि दोनों कैलेंडरों के अनुसार परीक्षा और रिजल्ट समय पर होना चाहिए। BRABU ने 2025 तक के परीक्षाओं का कैलेंडर बनाया है, लेकिन परीक्षाएं अभी पिछड़ गई हैं। PG तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा 15 नवंबर से शुरू होनी है, जबकि पार्ट 3 का रिजल्ट 31 अक्टूबर को नहीं आएगा, जिससे PG नामांकन प्रभावित होगा। इस साल दिवाली पर मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में स्थित मां जानकी के मंदिर को अयोध्या की तरह रोशन किया जाएगा। यहां लगभग 1 लाख दिए जलाए जाने की तैयारी है। ये निर्णय जानकी जन्मभूमि मंदिर न्यास की बैठक में लिया गया है। न्यास के अध्यक्ष महंत कौशल किशोर दास ने बताया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि को सजाने की तैयारी के साथ साथ पुनौरा धाम में भी दीपोत्सव की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। मंदिर को दियों से सजाया जा रहा है, जिसमें सीता कुंड और अन्य मंदिर भी शामिल हैं। विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होगा और श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की भरपूर व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए न्यास के सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने अपने 70वें CC परीक्षा के लिए पदों की संख्या बढ़ा दी है। पहले 2027 पदों की भर्ती की जानकारी दी गई थी, जिसे अब 4 अतिरिक्त पदों से बढ़ाकर 2031 कर दिया गया है। BPSC ने इसकी आधिकारिक सूचना अपने वेबसाइट पर जारी की है। ये परीक्षा अब 13 दिसंबर को बिहार के 34 जिलों में आयोजित की जाएगी, जबकि पहले ये नवम्बर में होने वाली थी। अब तक 4 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण करवाया है और संभावना है कि यह संख्या 8 लाख तक पहुंच सकती है। आवेदन शुल्क जनरल वर्ग के लिए ₹750 है और अन्य वर्गों के लिए ₹200 है। आवेदन की अंतिम तारीख 4 नवंबर है।
बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान को 90 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वाहन मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें रिमाइंडर भेजा जाएगा और संबंधित गाड़ी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ब्लैक लिस्टेड गाड़ियों का फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और ओनर से ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं मिलेगी। परिवहन विभाग ने राज्य भर में 350 ANPR कैमरे लगाने की योजना बनाई है, जिनमें से कुछ स्मार्ट सिटीज में स्थापित किए जा चुके हैं। इन कैमरों के जरिए ई चालान काटे जा रहे हैं। पटना में भी विभिन्न स्थानों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा सके। दीपावली और छठ के दौरान बिहार लौटने वाले प्रवासियों को पटना जंक्शन पर आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 26 अक्टूबर को इस सुविधा का उद्घाटन किया है, जो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। मंत्री ने बताया कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर आयुष्मान कार्ड बनाने के काउंटर खोले गए हैं, ताकि बाहर रहने वाले बिहारियों को इलाज में कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि देश के 29,000 अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के तहत चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग इस साल अंत तक कार्ड बनाने में दूसरे स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य रखता है। 4 से 8 नवंबर तक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। हम में से अधिकतर लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट होगा। बैंक अकाउंट को लेकर कई ऐसे नियम हैं जिन्हें हम सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ खाते निष्क्रिय या इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 वर्ष से अधिक समय तक अपने खाते में लेन देन नहीं करता है तो बैंक उस खाते को निष्क्रिय कर देता है। निष्क्रिय होने पर उपयोगकर्ता किसी से भी लेन देन नहीं कर सकते हैं, लेकिन खाते में मौजूद राशि और ब्याज वैसे ही बना रहता है। निष्क्रिय खाते को फिर से सक्रिय करने के लिए उपयोगकर्ता को बैंक में जाकर KYC करवानी होगी। इसके लिए पैन और आधार जैसे आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है। अच्छी बात यह है कि निष्क्रिय खाते को नियमित करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है और RBI के नियमों के अनुसार बैंक द्वारा कोई पेनल्टी भी नहीं लगाई जा सकती है। नीतीश सरकार ने एक वरिष्ठ IPS अधिकारी का तबादला किया है। हाल ही में पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नत हुए अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार अब महानिदेशक सह आयुक्त असैनिक सुरक्षा बिहार के पद पर नियुक्त किए गए हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि जितेंद्र सिंह गंगवार को 1993 बैच के जो IPS अधिकारी हैं, अगले आदेश तक वे महानिदेशक मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। उन्हें हाल ही में इस पद पर प्रोन्नत किया गया था और अब उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। श्रम संसाधन विभाग के नियोजनालय बेगूसराय ने सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के पदों पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 6 प्रखंडों में जॉब कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये विशेष कैंप 6 दिनों तक चलेगा, जिसमें युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। कैंप सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। सुरक्षा सुपरवाइजर पद के लिए इंटर पास युवाओं का चयन किया जाएगा, जिन्हें 18,000 से 25,000 रुपये का वेतन मिलेगा। वहीं मैट्रिक पास युवाओं का चयन सुरक्षा जवान के लिए किया जाएगा, जिनकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उनका वेतन 13,000 से लेकर 22,000 रुपए के बीच में होगा। आवेदकों को NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कैंप की तारीखें 4 से 14 नवंबर के बीच निर्धारित की गई हैं, जिसमें 4 नवंबर को तेघरा, 5 नवंबर को वछवाड़ा, 6 को मंसूरचक, 12 नवंबर को भगवानपुर प्रखंड, 13 नवंबर को गढ़पुरा और 14 नवंबर को बरौनी प्रखंड में जॉब कैंप का आयोजन किया जाना है। हम सभी के लिए दिवाली का त्यौहार कई खुशियां लेकर आता है। दिवाली की तैयारियां हम कई दिनों पहले ही शुरू कर चुके हैं। घर की साफ सफाई से लेकर लक्ष्मी पूजा तक सभी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। इस बार दिवाली की शुरुआत अमावस्या तिथि के साथ 31 अक्टूबर दोपहर से हो रही है। 1 नवंबर से प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो जाएगी, इसलिए इस बार दिवाली का त्यौहार 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी होगी। वहीं धनतेरस भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। बिहार से संबंध रखने वाले मनोज वाजपेयी को फिल्म द फैबल के लिए मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2024 में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये फिल्म राम रेड्डी के निर्देशन में बनाई गई है। इस फिल्म का एशिया प्रीमियर पिछले सप्ताह मामी में हुआ था।
मनोज वाजपेयी ने कहा है कि ये फिल्म उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण अनुभव था जिसने उन्हें नए तरीके से अभिनय करने का मौका दिया। उन्होंने बताया कि शूटिंग महामारी के दौरान रुकी रही और फिर पहाड़ों में पूरी की गई। राम रेड्डी ने अपनी टीम की मेहनत की सराहना की है और MAMI यानी मामी के दर्शकों का धन्यवाद किया है। द फेबल में प्रियंका बोस, दीपक डोबरियाल और तिलोत्तमा सोम जैसे कलाकारों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में क्रिकेट के प्रति दीवानगी को देखते हुए सरकार ने 2 इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला लिया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने जानकारी दी कि पटना का मोइनुल हक स्टेडियम पुनर्निर्माण के लिए तैयार किया जाएगा जिसे अगले 2 वर्षों में पूरा करने की का लक्ष्य है। इसके अलावा राजगीर में एक नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन है जो अगले साल तक तैयार होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि राजगीर में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी अगले साल खेला जाएगा। राजगीर जो एक प्रमुख टूरिस्ट स्थल है खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। इस स्टेडियम का उद्घाटन अगले 3 से 4 महीने में होने की उम्मीद है। बंगाल और उड़ीसा में आए चक्रवाती तूफान दाना का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में कई जगहों पर तूफान के कारण बारिश की स्थिति और काले बादल छाए हुए हैं। मुंगेर, बांका और कैमूर जैसे दक्षिण पूर्वी बिहार में तो हल्की बूंदाबांदी भी हुई। चक्रवाती तूफान से तापमान में भी गिरावट आई है। हालांकि अब चक्रवात का असर कमजोर पड़ गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है। जमुई के समूलतल्ला थाना क्षेत्र में बसतपुर हाई स्कूल के शिक्षकों के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों राजेश यादव और अर्जुन पंडित को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद जमुई के SP चंद्र प्रकाश ने एक SIT का गठन किया था जिसके तहत ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के अनुसार शिक्षकों के साथ मारपीट तब हुई जब उन्होंने रंगदारी देने से मना कर दिया था। घटना के बाद शिक्षा सचिव S. सिद्धार्थ ने पीड़ित शिक्षकों से मुलाकात की और उन्हें सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बताया कि उनसे 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। शिक्षकों ने डर के बावजूद काम करने की बात कही है। दिवाली नजदीक है, इस मौके पर पनीर की मांग भी बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ ही मिलावटी पनीर बेचने वाले दुकानदारों की संख्या भी बढ़ जाती है। नकली पनीर में स्टार्च, सिंथेटिक दूध और अन्य केमिकल्स हो सकते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। असली पनीर को पहचानने के लिए उसे उंगली से मस लें। अगर वो जल्दी टूट जाती है तो वो असली है। गर्म पानी में डालने पर अगर असली पनीर घुलने लगता है जबकि नकली पनीर ठोस रहता है और सफ़ेद झाग छोड़ता है। आयोडीन सॉल्यूशन की मदद से भी आप स्टार्च की मौजूदगी जांच सकते हैं। 1 दिसंबर से दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ानें शुरू हो जाएंगी जिससे बिहार के लोगों को काफी फायदा होने वाला है। इंडिगो एयरलाइंस दिल्ली के लिए प्रतिदिन और मुंबई के लिए सप्ताह में 4 दिन उड़ान सेवा प्रदान करेगी। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी हो रही थी जिसे दूर करने के लिए जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार और इंडिगो को टाइम स्लॉट उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। अब दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ानें शुरू होने जा रही हैं और टिकट की बिक्री जल्द ही शुरू होगी। जोमैटो ने अपनी फूड डिलीवरी सेवा में ऑर्डर शेड्यूलिंग का नया फीचर लॉन्च किया है। इस नए फीचर की मदद से यूजर्स अपने ऑर्डर को पहले से शेड्यूल कर सकते हैं। अब यूजर्स 2 घंटे से लेकर 2 दिन पहले तक अपने भोजन की डिलीवरी के समय का निर्धारण कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ 30 शहरों में 35,000 से अधिक रेस्टोरेंट्स के साथ लिया जा सकता है। इन शहरों में दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और पुणे जैसे कई शहर शामिल हैं। इस फीचर का उद्देश्य ग्राहकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना है। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 13 नवंबर को रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज सीटों पर चुनाव होंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर को NDA की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में उपचुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। 4 सीटों पर कुल 51 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है जिनमें 9 महिलाएँ शामिल हैं। बेलागंज से 17, तरारी से 14, इमामगंज से 11 और रामगढ़ से 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। नामांकन की जांच 28 अक्टूबर को होगी और वोटिंग 13 नवंबर को होगी। वोटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है जिससे मतदाता सक्रिय रूप से भाग ले सके।
बिहार में हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कलाकारों की निःशुल्क प्रस्तुति को लेकर सारण समाहरणालय ने विज्ञापन जारी किया है, जिससे कई स्थानीय कलाकारों और नेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर मुख्यमंत्री पर हमला बोला है और कहा है कि एनडीए सरकार लोक भाषा और संस्कृति को प्रमोट करने में नाकाम है, अब कलाकारों को निःशुल्क काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वही अनजान फिल्मी सितारों को लाखों रुपए दिए जाते हैं। लोक गायिका चंदन तिवारी ने इसे लोक कलाकारों का अपमान बताया है और कहा है कि सोनपुर मेला बिहार की संस्कृति का गौरव है, जिसके लिए कलाकारों को मान सम्मान मिलना चाहिए। बिहार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह शनिवार को पूर्णिया के जिला स्कूल में निरीक्षण के दौरान सीढ़ियों से फिसलकर गिर गए, जिससे उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर और पैर व कमर में चोट आई है। उन्हें एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन पर उनसे बातचीत की और हालचाल पूछा है। लेसी सिंह इन दिनों ग्राम गौरव यात्रा करती नजर आ रही थी। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने अस्पताल जाकर उनकी हालात के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी स्थिति ठीक है। घायल होने के कारण मंत्री जिले की दिशा की बैठक में शामिल नहीं हो पाई है। डॉक्टरों ने उन्हें स्वास्थ्य लाभ की सलाह दी है। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से नुआव प्रखंड से अपने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की और बसपा प्रमुख मायावती पर गंभीर आरोप लगाए। किशोर ने कहा कि मायावती जब संकट आता है तब कभी भी मदद के लिए नहीं आती है। उन्होंने मतदाताओं से जातिवाद को छोड़कर अपने बच्चों और बिहार के भविष्य के लिए वोट देने की अपील की है। प्रशांत किशोर ने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि चुनाव जीतने के बाद वे लोगों की मदद नहीं करेंगे। रामगढ़ में एनडीए महागठबंधन जन सुराज और बीएसपी के बीच मुकाबला है, जो जिससे उपचुनाव और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम को 113 रन से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया है। ये भारतीय जमीन पर कीवी टीम की पहली टेस्ट सीरीज जीत है। भारतीय टीम को 12 साल और 18 सीरीज के बाद घर में हार का सामना करना पड़ा। कप्तान रोहित शर्मा ने अपने खिलाड़ियों का बचाव करते हुए कहा कि दो खराब पारियां किसी की काबिलियत पर सवाल नहीं उठाती। उन्होंने कहा कि गेंदबाजों ने कोशिश की, लेकिन कीवी गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया। रोहित ने हार को निराशाजनक बताया है और कहा है कि टीम वानखेड़े में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। उन्हें उम्मीद है कि अगले टेस्ट में वे बेहतर रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। आपके मुताबिक भारतीय टीम की सीरीज में हार की क्या वजह हो सकती है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1934 में महात्मा गांधी के संरक्षण में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1947 में राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने पर सहमत हुए थे। आज के दिन वर्ष 1950 में मदर टेरेसा ने कलकत्ता में चैरिटी मिशन की स्थापना की थी। आज के दिन वर्ष 1999 में उच्चतम न्यायालय ने आजीवन कारावास की अवधि 14 वर्ष तय की थी। आज के दिन वर्ष 2001 में जापान ने भारत और पाकिस्तान के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की थी। आज के दिन वर्ष 2006 में भारत चीन मैत्री वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। कई जगह सोशल मीडिया पर ब्रिक्स करेंसी को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। अगर आप ब्रिक्स के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये एक संघ है जिसमें भारत समेत कई शक्तिशाली देश इस संघ का हिस्सा है। ब्रिक्स के करेंसी को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये सभी देशों ने अपने धार्मिक प्रतीकों को दिखाया है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रतीक के रूप में ताजमहल को दिखाया है। लेकिन आपको बता दें कि ब्रिक्स की तरफ से ऐसी कोई करेंसी जारी ही नहीं की गई है। ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए है नाथन लियोन, ऑप्शन बी है साकिब अल हसन, ऑप्शन सी है रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन डी है शाहीन अफरीदी। इसका सही उत्तर है रविचंद्रन अश्विन। महामारी निधि परियोजना और 21वीं पशुधन गन्ना अभियान का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए है जयंत चौधरी, ऑप्शन बी है अनुराग ठाकुर,
ऑप्शन सी अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन डी है राजीव रंजन सिंह, इसका सही उत्तर है राजीव रंजन सिंह। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया है? ऑप्शन ए है 15 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 20 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 25 लाख रुपए, ऑप्शन डी है 30 लाख रुपए, इसका सही उत्तर है 20 लाख रुपए। बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है? ऑप्शन ए है रोहतास, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है बांका, ऑप्शन डी है गया, इसका सही उत्तर है बांका। बिहार में सर्वाधिक नमभूमियां निम्न में से कौन सी हैं? ऑप्शन ए है प्राकृतिक अंतःस्थलीय, ऑप्शन बी है समुद्र तटीय नाम भूमि, ऑप्शन सी है मानव निर्मित अंतःस्थलीय नाम भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर है प्राकृतिक अंतःस्थलीय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है दीपक कुमार, राजीव कुमार, रवि कुमार गुप्ता, रोहित, एहसानुल हक, अमरजीत कुमार, मनोज सिंह, विशेश्वर रविदास, सोनू कुमार, अशोक चौधरी, विशाल, सुरेश कुमार गुप्ता, विनोद शाह, अनुपम, जितेंद्र ठाकुर, सोनू राय, बिट्टू कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में ठंड महसूस हो रही है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।